केरल कोझिकोड कारीपुर विमान दुर्घटन मृत्यु संख्या 19 को वृद्धि मृतकों मध्य विमान दुई पायलट अच्छा 121 जन गुरुतर आहतों विभिन्न डाक्तरखाना भर्ती करा 15 जन अवस्था संकटापन्न रही वंदे भारत मिशन रे विमानटी दुबई रु केरलर कालीकोट आसुवा बेले संध्या प्राय 7:41 मिनिट्रे दुर्घटनार शिकार होता कोझिकोड विमान बंदर रे लैंडिंग बेले रनवे रु खसी जाए दुईफाल हो प्राय 50 फुट खाई को खसी पड़ा दुर्घटना समय रे विमान रे 174 यात्री 10 शिशु 2 पायलट और 4 क्यू सदस्यों को मिसाई 190 जन थिले बोली एयर इंडिया एक्सप्रेस पक्षरु कहा जायछि प्रबल वर्षा सत्वे विलंबित राति जाए चलीला उद्धार कार्य एनडीआरएफ अग्निशम कर्मचारी और केरल पुलिस पक्षरु मिलित ऑपरेशन करा जायतिला शेषरे खंड विखंडित विमान भितर फसी रही 4 जन को उद्धार करा जायतिला प्रबल वर्षा जो विमानटी दुर्घटना होता अनुमान एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी यार तदंत कर बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री हरदीप सिंह पुरी सूचना देते अंपटे डीजीसीए कही प्रबल वर्षा और खराब पाग जो विमानटी दुर्घटना प्राथमिक अनुसंधान जमापड़ कालीपुर एयरपोर्ट 10 नंबर रनवे लैंड कर विमानटी प्रबल वर्षा जो रनवे शेष पर्यंत खसी जाता और शेष को जा 50 फुट खात भितर को खसी पड़ दुईफाड़ हो जाता कोझिकोड जिलापा पक्षर हेल्पलाइन नंबर जारी करा 04952376901 यह हेल्पलाइन नंबर जारी करा जाए छी। कल रात घटी से दुखद घटना केरल कोझिकोड कारीपुर विमान दुर्घटन मृत्यु संख्या वर्तमान 19 को वृद्धि पाई मृतकों मध्य विमान दुई पायलट रही 121 जन गुरुतर आहतों वर्तमान विभिन्न डाक्तरखाना भर्ती कर 15 जन अवस्था संकटापन्न रही जदि घटनाक्रम उपर नजर पक वंदे भारत मिशन रे विमानटी दुबई रु केरलर कालीकोट आसुवा बेले संध्या प्राय 7:41 मिनिट्रे दुर्घटनार शिकार होता कोझिकोड विमान बंदर रे लैंडिंग बेले रनवे रु खसी जाए दुईफाल हो प्राय 50 फुट खाई को खसी पड़ा दुर्घटना समय रे विमान रे 174 यात्री 10 शिशु 2 पायलट और 4 क्र्यू सदस्यों को मिसाई 190 जन थिले बोली एयर इंडिया एक्सप्रेस पक्षरु कहा जायछि तेबे प्रबल वर्षा सत्वे विलंबित राति जाए चलीला उद्धार कार्य एनडीआरएफ अग्निशम कर्मचारी और केरल पुलिस पक्षर मिलित ऑपरेशन करा शेष खंड विखंडित विमान भितर फसी रही 4 जन को उद्धार करा तबे प्रबल वर्षा जो विमानटी दुर्घटना होता अनुमान एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यार तदंत कर बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री हरदीप सिंह पुरी सूचना देते अंपटे डीजीसीए कही प्रबल वर्षा और खराब पाग जो विमानटी दुर्घटना प्राथमिक अनुसंधान जमापड़ कालीपुर एयरपोर्ट 10 नंबर रनवे लैंड कर विमानटी प्रबल वर्षा जो रनवे शेष पर्यंत खसी जाता और शेष को जा 50 फुट खाई भितर को खसी पड़ दुईफाड़ हो जाता कोझिकोड जिलापा पक्ष हेल्पलाइन नंबर जारी करा हेल्पलाइन नंबर हो 04952376901 यात्री संपर्क मैंने नंबर को फोन करी अनुसंधान करी पारी स्टेट है हमारी एनडीआरएफ की एक टीम को हम लोगों ने रवाना कर दिया जो पास में मामलापुरम में थी और वो पहुंचने वाली है रेस्क्यू ऑपरेशंस में ज्वाइन कर जाएगी और ये माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी माननीय गृह सचिव उन लोगों ने बात की है और उनके विचार विमर्श के आलोक में हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम वहां रवाना कर दी थी और बहुत जल्द वो पहुंचने वाला है। जहां तक स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट की बात है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज जो लैंडिंग हुई है लैंडिंग का जो टेबल टॉप रनवे है रनवे के बाद जो एक तरह से गड्ढानुमा इलाका है वो रनवे से हाइट में काफी डिफरेंट है लगभग 20-30 फीट का डिफरेंस कहा जा रहा है कम भी हो सकता है लेकिन जो भी डिफरेंस हो उसके चलते क्योंकि फ्लाइट जो है स्पीड में होगी तो ये इम्पैक्ट काफी जबरदस्त हुआ है
जिससे लगभग सभी पैसेंजर थोड़े बहुत घायल हैं और कुछ लोग बेहोश भी हैं, जो रिपोर्ट मुझे मेरे कमांडर ने वहां से दी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी को अटेंड करना पड़ेगा और कुछ कैजुअलिटीज का भी रिपोर्ट है, लेकिन वो अनकन्फर्म्ड है, तो इसलिए मैं उसमें बताना समीचीन नहीं समझता। लेकिन ये एक और भी बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत है कि बॉडी में या फ्यूजलेज में आग नहीं लगी, जिसके चलते पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जा सका।